بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ہم لوگوں کو کچھ ایسے مسائل کا سامنا بھی رہتا ہے جنہیں آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے، مگر انہیں حل کرنے کی معاشرتی قوت سے کوشش نہیں کی گئی. میری مراد یہ ہے کہ جیسے مسئلہ ایک ہے کہ دینداری کے تقاضے کیا ہیں، ایک اچھا مسلمان کیسا ہوتا ہے، اپنے مزاج، کردار اور انفرادیت کے لحاظ سے انفرادی سطح پر، اور وہ کیسا ہوتا ہے اپنے معاشرتی وجود میں، اخلاقی وجود میں. اور پھر تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ جس معاشرے کا ایک فرد ہوتا ہے، یعنی مسلم سوسائٹی کا ایک فرد ہے، تو خود وہ معاشرہ اس کو اچھا مسلمان بنانے میں کتنی مدد فراہم کرتا ہے، کتنا سازگار ماحول اسے پرووائڈیڈ رکھتا ہے. تو یہ سب چیزیں بہت سادہ اور بہت فطری ہیں. مسلمان ہونے کے کچھ انفرادی، اخلاقی، کرداری احوال ہیں، افعال ہیں، نفسیات ہے. اسی طرح مسلمان ہونے کی ایک سماجیات بھی ہے. تو اسے سمجھنے میں، اس کی ضرورت محسوس کرنے میں، ظاہر ہے کہ ہم کسی بھی کمی کا شکار نہیں ہیں، کسی بھی غلطی کا شکار نہیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ پیغام ہے جس کی آدمی ساخت حکم کی طرح ہے، اور آدھا حصہ جیسے کلمہ کن کی طرح ہے. یعنی اسلام تقریباً اپنے نصف میں اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے ایک اتھارٹیٹیو انداز رکھتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی بھی خطاب اپنے بندے سے، چاہے وہ محبت سے ہو، رحمت سے ہو، یا جلال سے ہو، حاکمیت کے زور کے ساتھ ہو، اس کے اللہ ہونے کی وجہ سے، اس کے مالک مطلق ہونے کی وجہ سے، اس کے خطاب کی ہر صورت تحکمانہ ہوگی. مطلب وہ اتنا بڑا ہے اور ہم اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ ہم سے شفقت سے بھی کلام فرمائے گا. تو اس کی بڑائی اس مشفقانہ کلام کی ساخت کو حاکمانہ بھی بنائے گی. تو اس کا مطلب، اس کا ایک بہت بڑا تجربہ ثبوت بھی ہے ہمارے تجربے میں بھی انشاءاللہ ہوگا، کہ اللہ کی طرف سے التفات کا کوئی اظہار، اللہ کی طرف سے رحمت کی انتہا کو ایکسپریس کرتا ہوا اس کا کوئی بھی کلام ہمیں اللہ کی ہیبت سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی عظمت سے غافل نہیں کرتا. یعنی وہ جتنا بھی خوش ہو کر اپنی خوشی کا ہم سے اظہار فرماتے، اس خوشی کے اظہار پر بہت مطلب فرحت میں بہت فرحت اور فخر محسوس کرتے ہوئے بھی
हम अपनी हद में रहते हैं, और ऐसा नहीं होता कि अल्लाह को मानने और अल्लाह से ताल्लुक में लाजमी तौर पर उसकी खशियत को जिस तरह मलहूज रखना जरूरी है, उसकी अजमत को जिस तरह सामने रखना लाजिम है, हम उसकी वो खशियत और वो लाजमी अजमत को फरामोश कर देते हों जहनी तौर पर या एहसासात की सतह पर, और फिर उससे किसी एक ऐसी नई बेतकल्लुफी का दरवाज़ा खुद पर खुलते हुए महसूस करते हूँ, जो बेतकल्लुफी हम जिन्सों के दरमियान, बराबर के लोगों के दरमियान या मरातिब का कम फर्क रखने वाले छोटे बड़ों के दरमियान होती है। हम ऐसी बेतकल्लुफी का अल्लाह से के हुजूर में मतलब सोच भी नहीं सकते, उस माहौल में भी हम उसके जलाल की लपट को अपने कल्ब से खारिज नहीं महसूस कर सकते, जहां वो अपनी रहमत और शफकत का इंतहाई यकीनी इजहार फरमा रहा हो। तो क्योंकि अगर अल्लाह की रहमत उसके जलाल का पर्दा बन सके, उसके जलाल को भुला देने का सबब, या उसके जलाल को, उसकी अजमत और बुजुर्गी को मुअत्तल कर देने की वजह बन जाए, तो वो अल्लाह नहीं है, वो खुदा नहीं है। खुदा वो है जिसकी हर शान में, जिसकी हर सिफत में, जिसके हर फेल में उसकी ज़ाती अजमत और जलाल का इजहार उस सिफत के साथ मखसूस मानी और कैफियत पर गालिब रहे। तो ये इस पहलू से हम कह रहे हैं कि दीन अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलिमात का मजमुआ है, और उस वजह से इसकी एक बनावट जलाली है, हाकिमाना है। यानी हाकिमाना होने का मतलब ये है कि हम पर उसका उसका जो भी मफहूम है, हम खुद को पूरी रजामंदी और आमादगी के साथ उस मफहूम में ढालने पर तैयार पाते हैं, चाहे वो मफहूम यानी वो हुक्म हमें तकलीफ उठाने पर उठाने का पाबंद बना रहा हो, चाहे वो हुक्म हमें शाबाशी की सूरत में हो, चाहे वो बात डांट की शक्ल में हो, हर हर सूरत में हम अपने आप को पूरी तरह तैयार पाते हैं कि अपनी ख्वाहिश वगैरह की मिलावट किए बगैर उस हुक्म से एक साजगारी और मुनासिबत पैदा करें, उस हुक्म के सामने अपनी जो बंदगी की यानी मुतलक बंदगी की सर से पांव तक ताबे फरमान होने की पोजीशन को कमजोर न पड़ने दें। तो जो दीन अल्लाह का ऐसा इजहार है कि जिस इजहार का हदफ बनकर, जिस इजहार का मुखातब बनकर मैं खुद को भी अपने मौजूद यानी अपने बंदे होने की सतह पर अपने लिए रुकावट और मिलावट समझने लगता हूँ, यानी मैं खुद को ऐसा देखना ही नहीं चाहता कि मेरा कोई एक जुज उस हुक्म से अदमे मुनासिबत में हो, उस हुक्म से मुगायरत में हो, उस हुक्म से वहशत में हो, उस हुक्म पर एहतजाज की हालत में हो, उस हुक्म की जबरदस्ती तावील करने पर
आमादा हो। तो ये जो है ये दीन की एक बुनियादी बनावट है, उसकी साख हुक्म जैसी है। लेकिन अगर दीन सारे का सारा हुक्म इलाही की साख में होता तो बंदे का इख्तियार जो है वो जबर में बदल जाता, और अल्लाह को मानना मतलब ये कि अल्लाह को मानना अल्लाह को ना मानने की सलाहियत के साथ ना होता। अब अल्लाह की स्कीम ये है कि वो नेक मुझे देखना चाहता है, बुराई की कुदरत देकर वो मुझे ईमान लाता हुआ देखना चाहता है, इनकार की सलाहियत मेरे अंदर दाखिल करके, और इनकार और इकरार दोनों की सलाहियतें मुसावी हालत में दाखिल करके, तो फिर बंदगी जबरे महज थी। तो जो दीन यानी दीन अपनी फॉर्म में समझे हुक्म है, दीन अपने एसेंस में कलिमए तखलीक है, दीन अपने एसेंस में कलिमए वजूद है। ये मुझे हकीकतन मौजूद करता है। दीन से पहले मैं एक बायो बीइंग हूँ और हादसतन या वाकयन मौजूद हूँ, एक वाकये की तरह मौजूद, एक तारीख और मौत के चुंगल में फंसे हुए कमजोर और बेबस परिंदे की तरह मौजूद हूँ, यानी अपनी बायो बीइंग में। ये दीन है जो मुझे आकर वजूद की सूरत के बाद वजूद की हकीकत अता फरमाता है, यानी दीन वो अल्लाह की तरफ से फराहम किया गया वाहिद वसीला है जिसे इख्तियार किए बगैर आदमी मौजूद नहीं हो सकता, यानी वो अपने वजूद को उसी वजूद की हकीकत का हामिल नहीं बना सकता, उसका मजहर नहीं बना सकता। तो ये जो दीन की जेहत है, ये दीन अल्लाह का नाजिल फरमूदा कलिमे वजूद है, और इससे वो ही फायदा उठा सकता है, इसकी बरकतों से वो ही अच्छी तरह फैजयाब हो सकता है जो इसे नफ्स पर बार न बनने दे और इसे अपनी हकीकत को तक पहुंचा देने वाला खुदाई नूर बना के दे दिखाए। यानी ये खुदाई नूर है, इस खुदाई नूर को अपने वजूद की मख्फी हकीकत को उजालने और दिखाने वाला बनाकर दिखाए। तो ये जो दीन इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए बताए हुए और चलवाए हुए दीन की ये जो रूह और ये जो मिजाज है, जिसने इसको अपने हक में अमलन पा लिया, यानी जिसके अंदर दीन की ये रूह और ये मिजाज अमल में आ गई, वो दीनदार है। दीनदार का मतलब होता है दीन का कंटेनर बनना, दीन का हामिल बनना, दीन को अपनी हकीकत बनाकर उसका मजहर, उसका जिंदा मजहर बन जाना, ये होता है दीनदार आदमी। ये लफ्ज ही से जाहिर है ना, दारिंदे दीन, जो अपने अंदर दीन को समोए हुए हो,
वो दीनदार है जिसका कल्ब मुसलमान हो, जिसका जहन मोमिन हो, जिसका इरादा परमबरदार हो। तो यानी जिसकी सारी सारी जो सारी इस्तेदादे हस्ती जो है वो मुसलमान बनने, अब्दुल्लाह बनने में पूरे कमाल और पूरी तरतीब और पूरे इंटरेक्शन के साथ सर्फ हो रही हो, वो दीनदार। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, इसको हो सकता है बाज अल्फाज बाज लोगों के ये मुश्किल हो, लेकिन ये आइडिया यानी दीनदारी की ये डेफिनेशन, ये इजमाई डेफिनेशन है, किसी के सामने भी जाके कह दीजिए तो वो कहेगा हाँ मुसलमान होने का यही मतलब है। और कुरान पढ़ते हुए आदमी वाकई महसूस करता है कि मैं अब से पहले तक हकीकतन मौजूद नहीं था। ईमान लाते ही आदमी इस एक्सपीरियंस से गुजर जाता है कि मेरे मौजूद होने की हकीकत तो आज मुझ पर खुली है। वो क्यों खुली है कि अल्लाह ही हर शय की हकीकत है ना। तो अल्लाह से ताल्लुक जितना जिंदगी इख्तियार करता जाएगा उतना ही वजूद का हकीकी ज़ौक पैदा होता चला जाएगा, और मेरा आपका मौजूद होना हकीकी और ऑथेंटिक बनता चला जाएगा। तो इस मानी में अर्ज ये कर रहा था, दोनों अब दीनदारी के जाहिर माने ताबे हुक्म भी है और साहिब हाल भी है, यानी मुसलमान अल्लाह के हुक्म का ताबे है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मुती है, और इसके साथ ही इन दोनों से ताल्लुक के मेयारी अहवाल का हामिल भी है। वो अल्लाह की निशानी भी है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानी भी है। तो इन मानों में गोया वो उस पर अल्लाह का ऐसा फ़र्ज़ हुआ है कि उसकी तख्लीक़ सानी कलमए हिदायत से हुई है, कलमए बंदगी से हुई है। तो ये आदमी दीनदार है, लेकिन जाहिर है कि दोनों तरह के, इसको हम कह रहे हैं कि साहिब हाल है, यानी एक मुसलमान को साहिब हाल होना चाहिए और मुसलमान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मशरूत तौर पर फरमा बरदार होना चाहिए। तो इसको और आसान करके कहें तो मुसलमान को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार होना चाहिए और इन दोनों से वफादार रहना चाहिए। तो दीनदारी अपनी असल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मुतज़लज़ल वफादारी है, ऐसी वफादारी जो एहसासात के भी मरकज में है, इरादे में भी रूह की तरह दाखिल है, जहन की भी वाहिद कुव्वत है, वगैरह वगैरह। यानी कुल मताए वजूद अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी वफादारी है। ये है हकीकत वजूद का अमल में आ जाना, फंक्शनल हो जाना, रियलाइज हो जाना कि मैं अल्लाह से ताल्लुक के सबसे बुनियादी हाल और अदब को अपने अंदर सेंत कर परवान चढ़ाने की कोशिशों के लायक हो जाऊं तो मैं दीनदार हूं, और बिला शक को शुभ दीनदार हूं। तो
ये वफादार है अल्लाह का, वो दूसरे यही वफादार अल्लाह का फर्मा बरदार। मतलब ये नहीं हो सकता कि बंदा अल्लाह का वफादार तो हो, अल्लाह से वफादार तो हो, मगर नाफरमान हो, ये महाल है, नामुमकिन है। ये अलबत्ता हो सकता है कि बंदा फरमा बरदारी, बज़ाहिर फरमा बरदार हो, लेकिन अल्लाह से वफादार ना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का मुस्तकिल मरकजी हाल ना रखता हो, ये हो सकता है। तो अब मुश्किल ये है, जिसको मैं कह रहा था कि उस मुश्किल का हल तो कोई किसी के दस्तरस से बाहर नहीं है, किसी की समझ से ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सामने की बात है कि दीनदारी की ये दोनों रिवायतें, दीनदारी के ये दोनों तकाजे, बंदगी की ये दोनों लाजिमो मलजूम सतहें, क्या हमारे मुआशरे की अकदार साजी में हाकिमाना अंदाज से शरीक हैं? क्या हमारा समाजी नस्बुल ऐन बंदगी की इन दो मंजिलों को फोकस्ड रखता है, पेशे नजर रखता है? जाहिर है इसका कोई दूसरा जवाब नहीं है, जाहिर है कि बिल्कुल नहीं रखता। यानी हमारे यहाँ समाजी खुशहाली और तमदनी तरक्की वगैरह के जो भी तसव्वुरात हैं, उनमें हमारे दीन को किसी भी तरह का कोई किरदार हासिल नहीं। तो अब ये जो है, मतलब ये कि मुझे मालूम है कि मेरे मुआशरे को कैसा होना चाहिए, मुझे मालूम है कि खुद मुझे फर्द की हैसियत से कैसा होना चाहिए, लेकिन इन दोनों इंतहाई जरूरी इल्मों का हामिल होने के बाद भी ना मेरी शख्सियत पर कोई असर दीन का पड़ रहा है, और ना जिस मुआशरे का मैं एक रुकन हूँ या जिस मुआशरे का मैं एक नमूना हूँ, वहाँ दीनदारी कोई काबिले कदर वैल्यू है। तो अब इसमें बड़ी, या तो ये कर लिया जाए, बहुत से लोग माशाल्लाह उठे, उन्होंने इस मतलब इस निफाक को तशखीस किया और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, जिनको लोग कहते हैं पॉलिटिकल इस्लाम वाले, यानी ताना देते हैं। तो पॉलिटिकल इस्लाम वाले मतलब हमारे बहुत बड़े मोहसिन हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी इसी मुश्किल को हल करने के लिए। तो इसी तरह तबलीग वाले हैं, इसी तरह तसव्वुफ वाले हैं वगैरह वगैरह, इसी तरह फतवा देने वाले हैं, फुकहा हैं, इन सब के कामों की असल वर्थ ही ये है कि वो ये मुश्किल उनके डिसिप्लिन के जरिए से, उनके डिसिप्लिन को अप्लाई कर दिया जाए उसकी स्पिरिट के साथ, तो ये मुश्किल हल हो जाती है और ये मकसूद हासिल हो जाता है। लेकिन जाहिर है अब हमने सबने देखा कि ऐसी इंतहा दर्जे की मुखलिसाना कोशिशें और रिवायतें वो हमारी गफलत की वजह से, हमारी गैर संजीदगी की वजह से नाकाम हो गई। और
हमने अपने एहसासे जुर्म को कम रखने के लिए दीनदारी को चंद मज़ाहिर तक और एक खास तरह की दहकानी और कबायली मुआशरत तक महदूद किए रखा और उस पर इसरार करना शुरू कर दिया। तो मतलब दीनदार कौन होता है जिसकी दाढ़ी 1 कद से ज्यादा हो, जो पगड़ी बांधता हो, जो मिसवाक रखता हो, जो पैंचे ऊंचे रखता हो। तो इस तरह की कुछ और अलामतें बना लीजिए कि जो मस्जिद में जाके बाकायदगी से नमाज पढ़ता हो, जो लोगों को वास कहता हो, और जो जिंदगी के कबायली या एक खास तरह के कल्चर को महफूज रखने पर इसरार करता हो। तो ये मतलब ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये कि ये सब बातें काफी नहीं हैं, और काफी क्या मुजिर इसलिए ये काफी ही नहीं बल्कि मुजिर साबित हुई है। और इनका जरर ये है कि इन्होंने दीन की पूरी स्कीम से लातालुकी इख्तियार कर रखी है। यानी ये दीन को इसलिए थोड़ी आया था कि ये मुझे किसी खास लिबास तक महदूद करते, किसी खास कल्चर को से आइडेंटिफाई हो जाए, उस तक महदूद हो जाए, ये इसलिए थोड़ी आया था। ये तो एक आफाकी दीन है जो दुनिया को आखिरत का एक सूबा एक्सपीरियंस करवा देता है। तो अगर आखिरत की प्रेजेंस इतनी कवी नहीं है कि दुनिया में रहते हुए मेरी जिंदगी चलाने वाले एहसासात और ख्वाहिशात आखिरत से मैच करती रहें, फिर क्या दीनदारी दाढ़ी रखो ना रखो क्या फर्क पड़ता है। तो उससे बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, और मतलब आज इसी एक मसले पर, क्योंकि ये मौजू बहुत तफसील तलब है, लेकिन इस एक बात को मैं पेश करना चाह रहा हूं कि हम दीनदारी का जो तसव दीनदार आदमी का जो तसव्वुर रखते हैं, दीनदार आदमी का जो खाका बनाने को कहा जाए तो हमारी अक्सरियत वही खाका बनाएगी। उस वो दीन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। अब मैं तबअन रिवायती आदमी हूँ, मैं तबअन असलाफ का असलाफ से नस्बत को अपना अपना मतलब हिफाजती निजाम समझता हूँ। मैं बिल्कुल रिवायती अंदाज में रहता हूँ, लेकिन इस खप्त में मुब्तला नहीं हूं कि ये दीन का अटल तकाजा है और मुझ जैसा ना दिखने वाला मुझ इतना दीनदार नहीं है। मुश्किल ये हो गई कि दीन के जवाज जवाहिर को, जिनकी सनद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जवाहिर की हैसियत से भी नहीं पहुंचती, उनमें से अक्सर की, तो उन जवाहिर को दीन के इजहार और दीनदारी की मुस्तकिल अलामात की हैसियत देकर हमने अब दीन को गोया इंसानी एहसास, इंसानी जिंदगी से लाताल्लुक, इररेलीवेंट और इनइफेक्टिव बना दिया है। अब आज के लोग जो हैं वो एक खास तरह का अगर हुलिया इस्लाम में लाने की शर्त बनाकर पेश किया जाए
या दीनदारी में किसी कमाल की हैसियत से बताया जाए तो लोगों को अजीब अजीब तरह के एहसास होते हैं। और उनमें मिसाल तौर पे एक एहसास ये है कि ये दीन तो फिर मतलब दहकानों का है, कबाइलियों का है, वगैरह वगैरह। तो फिर उसी एतबार से जो आदमी जितना दीनदार है उतना ही ज्यादा जिद्दी है, उतना ही ज्यादा गबी है, उतना ही ज्यादा खुद पसंद है। और जो जरा संजीदा है दीनदारी के गलत तसव्वुर में घिरा होने के बावजूद दीनदारी में संजीदगी रखता है, तो वो डिप्रेशन में और दिमागी अवारिस का शिकार हो जाता है, वो खुद को मिसफिट देखने लगता है, वो खुद एहसास कमतरी मुब्तला हो जाता है। अब ये सारी चीजें हमारे चारों तरफ हो रही हैं और इसमें एक भयानक सूरत ये है कि मुआशरा और उसकी तश्कील करने वाला और मुआशरती निजाम चलाने वाला कोई अदारा भी वो दीनदार बनने की दावत नहीं देता, इसमें मदद नहीं करता। और जहां हम दीनदार बनने के लिए अपनी दीनदारी की हिफाजत में अपनी कुमक हासिल करने के लिए जिस तरफ देखते हैं, उन लोगों का हाल ये है कि वो जैसा मैंने अर्ज किया कि कल्चर और दीन में फर्क मिटा दिया, या बाज़ जवाहिर को पर ऐसा इसरार कर दिया कि दीनदारी के जो असली और हकीकी लवाजिम हैं वो हमारी नजरों से जैसे ओझल से हो गए हैं, गायब से हो गए हैं। और वो गायब ऐसे हुए हैं कि अब उनके लिए उनकी कोई ज़ौकी कबूलियत भी नहीं रह गई, उनकी कोई ज़हनी तलब भी नहीं रह गई, उनसे हमारी कल्बी मुनासिबत भी नहीं रह गई, और हमारी मजहबी जो कैफियात हैं उन कैफियात में एक ऐसा बिगाड़ इस वजह से, इस अदम मुनासिबत से पैदा हुआ कि हम जिन कैफियात में खुद को बड़ा बनाने का सामान मौजूद होता है उन्हें रूहानी समझते हैं, और जिन एहसासात में दूसरों की तहकीर पाई जाए उन्हें दीनी जानते हैं। तो खासे मसाइल पैदा हो गए हैं। तो अब हम मेरी समझ में यही आता है जिसका मैं मतलब ये बहुत लंबा प्रोग्राम है अगर कोई करे तो, लेकिन उसका एक आगाज, एक हम्बल सा आजिजाना सा आगाज वो ये है कि अपने आप से अपनी जात में खुद को अपने आप से हर गुना एक्सपेक्ट करो, मतलब अपना कोई ऐसा तसव्वुर ना बांधो जो मासूमियत का हो। बस गलती होती है, गुनाह होते हैं, होते भी हैं, होते भी रहेंगे। तो समझ गए, ये एक खुद पसंदी का इलाज बता रहा हूँ जो एक खास हलके पर मुसल्लत है। तो मुझसे गलती भी होगी, मुझसे गुनाह भी होंगे, और ये गलती और गुनाह मेरे इंसान होने का सबूत है, मेरे जिंदा होने का सबूत है, मेरे कमजोर होने का सबूत है, और अगर जरा गहराई में जाके देखें तो मेरे सच्चे और मुखलिस होने का भी इंशाल्लाह ये सबूत है। तो इन गलतियों से मेरा इस्तिग़फ़ार सच्चा है, इन गुनाहों से मेरी तौबा में रूह दौड़ दौड़ रही। तो इसको अपने अपने आप से मुकम्मल तौर पर यकीन रखें कि मैं कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मुझसे गुनाह ना हो, मुझसे गलती ना हो, वो होनी है, हो कर रहेगी,
बस सिर्फ गलती हो जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी यह है कि कुछ रो पीट के तौबा कर लूँ, अल्लाह से तौफीक तलब करूँ कि आइंदा इससे हिफाजत हो जाए, और अगर खुदा ने खास्ता होती भी रहे तो आखिरत में मुआफ हो जाए। बस दुआ किया करो कि या अल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे गुनाह का इर्तिकाब ना हो, ये मैं इस काबिल कहाँ कि मैं इस तरह की फरमाइशें करूँ, लेकिन या अल्लाह मेरे मुझसे कोई ऐसा गुनाह ना होने देना जो आखिरत में मुआफ ना हो। बस बहुत जबरदस्त है अगर आज हम लोगों को बशारत मिल जाए कि तुम ऐ गुनाहगारो, तुमसे कोई ऐसा गुनाह नहीं होने दिया जाएगा जो आखिरत में बख्शा ना जाए। ये तो दर्जाए विलायत है, ये तो कुदवियत और गौसियत सबसे बड़ा मर्तबा है। तो एक तो ये, इससे इंशाल्लाह एक बेसिक ह्यूमिलिटी यानी जो हमारे अखलाक हैं आजिज़ी के, वो इस्तिग़फ़ार और नफ्स के ताल्लुक से पैदा होते हैं। तो इससे इंशाल्लाह हम इस्तिग़फ़ार में सच्चे रहेंगे, गहरे रहेंगे, और हमारी तौबा जो है वो हम ऐसे नाचीज़ों कमज़ोरों को वो अल्लाह के क़ुर्ब में ले जाने का इंशाल्लाह वसीला बनेगी, अल्लाह की खुशनूदी के हुसूल का इंशाल्लाह जरिया बने। तो अपने को देखो तो गुनाह यकीनी है, नेकी एतबारी है। अल्लाह को देखो तो मगफिरत, गुनाह भी हकीकी है, मगफिरत भी हकीकी। गुनाह कुछ नहीं है, मगफिरत बहुत बड़ी है, वगैरह। तो एक तो ये, तो इसमें ये होगा कि कुढ़ने और मायूस होने से नजात मिल जाएगी। लोग होते हैं वो कहते हैं इतनी तो कोशिशें कर ली, फलां गुनाह छूटा नहीं, तो अब ये तकल्लुफ खत्म करो, ये अदाकारी खत्म करो। वो अपने आप पर तरह तरह के शुबहात बांधने लगते हैं कि हम मुनाफिक हैं, या इससे आगे लोग बढ़ जाते हैं कि दीन काबिले अमल ही नहीं है। तो बिल्कुल रियलिस्टिक अपने साथ रहें, गुनाह मुझसे हो गए और गुनाह होंगे तो बस अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार मुझे सिखा रखा है, वो करता रहूंगा, बट ठीक। तो एक तो ये, तो इंशाल्लाह इससे खुश्की नहीं पैदा होगी, खुद पसंदी नहीं पैदा होगी, सख्त दिली नहीं पैदा होगी, और अल्लाह ने चाहा तो गफलत नहीं पैदा होगी। तो दूसरा ये कि मैं आदाबे ताल्लुक में कमाल हासिल करने को अपना मकसूदे जिंदगी बनाकर पूरी यकसुई रगबत और इश्तियाक के साथ आगे बढ़ता रहता। बस ये अगर कर लो तो ये दीन, जैसे दीन अपने बेहतरीन अहवाल के साथ हमारे अंदर मुंतकिल हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कर लो कि या अल्लाह, जो जो भी ताल्लुक मुझे मेरे लिए निभाना आपकी तरफ से जरूरी है, या अल्लाह उन तमाम ताल्लुकात के बुनियादी आदाब को बेहतरीन तरह से निभाने की कोशिश में मैं ये पूरी जिंदगी सर्फ कर दूंगा, और मेरा हर अमल जो चाहे बज़ाहिर दीनी ना हो, मेरा हर अमल इस रास्ते पर आगे बढ़ने में मेरी मदद करेगा, मेरा कोई भी अमल इस मकसूद से लाताल्लुक होकर वजूद में नहीं आएगा। मकसूद क्या है कि हर ताल्लुक को निभाऊंगा बेहतरीन तरीके से अल्लाह को खुश कर देने वाले जज्बे और ईसार के साथ। तो अब ये बस दीन है पूरा, अल्लाह से ताल्लुक है उसको भी निभाऊंगा, मखलूक से ताल्लुक है उसे भी निभाऊंगा, अपने नफ्स से ताल्लुक है उसे भी निभाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो इससे ये होगा कि गुनाह को एक्सपेक्ट करने से तन्हाई अच्छी होती है, और ताल्लुक निभाने से तन्हाई और मुआशरत दोनों गोया एक रूह के दो कालब बन जाते हैं।
यानी मुआशरा हो या मेरी इनफरादियत हो, मेरी तन्हाई हो, इन दोनों की रूह तो ताल्लुक बिल्लाह है ना, और ताल्लुक बिल्लाह की बुनियाद पर सारे निजाम ताल्लुकात को कामयाबी से चलाना, ये दोनों की बुनियाद है। तो इंशाल्लाह हम एक्सपीरियंस कर लेंगे कि एक ही रूह है जिसने हमारी मुआशरत को खैर से भरा हुआ है, हमारी तन्हाई को जिक्र से रोशन किया हुआ है। अब आप देखते नहीं हैं कि पहले जिन जिस तरह का लिबास आदमी अपने घर में नहीं पहन सकता था, अब उसी लिबास में बिला तकल्लुफ मस्जिद चला जाता है। ये जाहिर है तब्दीली जितनी भी चाहे बुरी हो, ये बहुत ही बुरी बात है, लेकिन ये कि आपको एक इस तरह के माहौल में, इस तरह की बदजोकी के फैलाव में अपनी हिफाजत करनी है और अपने आप को अपने दीन का दाई बनाना है, नुमाइंदा बनाना है। तो जाहिर है आप उस तरह नहीं कर सकते जैसे फर्ज की आज से 200 बरस पहले होता होगा। अब मैं खुद अपने आप देखता हूँ, बहुत सी चीजों में हसासियत कम हो गई है, और वो कम भी कोई जैसे एक नामालूम सा जबर है, वो कम हो गई जैसे जहन से निकल गया, और वो सब चीजें बहुत कीमती थी। तो इसी तरह बहुत से लोगों के ऐसे ही अहवाल होंगे, ऐसे ही तजुर्बात होंगे। इसमें पकड़ लें कि दीन की रूह क्या है, इस रूह को मजरूह नहीं होने देना, बाकी कुछ ऊंच नीच होती रहती है, अल्लाह बस माफ करने वाला है। और वो ऊंच नीच मैं कौन सा नाफरमानी के जज्बे से कर रहा हूँ, मैं तो कमजोर मतलब एक दौड़ने वाले की अगर पीठ अल्लाह की तरफ है तो वो नालायक है, एक गिरने वाले का मुंह अल्लाह की तरफ है तो वो खुश नसीब। तो बस हम गिरे हुए मुंह तो उस तरफ है ना। चलो इतना रियलाइज करो फिर आगे बढ़ो, ताकि चीजें चीजें हमारे बातिन में जड़ पकड़ने लगे, मतलब अपनी आजिजी का एहसास हो जाए तो बंदगी के कुछ अहवाल खुद ब खुद दाखिल हो जाते हैं नफ्स में। तो इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं कि जो इतना अल्लाह से ताल्लुक हमारे लिए महसूस होने के अमल में रहता है, उतना उतना जो है वो हम मुसलमान होने की के नफ्सियाती निजाम का नुमाइंदा बनने में कामयाबी हासिल करते हैं, मुस्लिम नफ्सियात के हामिल बनते हैं। और जितना जितना जो है वो तमाम ताल्लुकात को ताल्लुकात की असास पर बेहतरीन तरीके से निभाने का दाइया पैदा होता है, एहतमाम वजूद में आता है, तो वैसे वैसे जो है वो मुस्लिम मुआशरत खुद ब खुद तामीर होती चली जाती। तो भाई हमने बहुत सारे तजर्बे किए हैं, बड़े बड़े लोगों ने माशाल्लाह किए हैं, हमारी तहजीब में कई ऐसे रवैये दाखिल होकर गुजर गए हैं, कई ऐसे तस्वुरात बने हैं और फिर हमारे हाफ़िज़े और अमल से निकल गए। तो अब अगर मतलब हमने जाहिदाना उसूल पे भी चल चल के देखा मुआशरे के, चलो किसी एक छोटे से पॉकेट में थे, हमने आशिकाना जिंदगी भी गुजारी, हमने आरिफ बनने के भी मुजाहरे किए, आदिम बनने के भी मुजाहरे, मुजाहिदाना रिवायत का भी एहया किया, लेकिन ये सब चीजें जो हैं ये बहुत ही मुखलिस और बहुत ही काबिल और अहलियत रखने वाले लोगों का शियार बन जाने के बावजूद मुआशरे की बेहिसी की वजह से कोई तहजीबी कदर न बन सकी। तो अब भाई अब चलो आरिफ बन गए, जाहिद बन गए,
अब अल्लाह के लिए आजिज़ाना जिंदगी गुजारना सीखो। जो मैंने दो बातें अर्ज की हैं ये इसी लिए हैं कि हम अल्लाह के लिए आजिज़ाना जिंदगी गुजारें। तो अल्लाह नसीब फरमा दे मुझे भी आपको भी, और अल्लाह इन सारी शराबियों का, इन सारे बुरानों का इजाला फरमाए जो हमारी ही नादायती और गफलत से हमारे अंदर पैदा होकर अब हम पर मुसल्लत हैं। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी के अम्मी।